दोस्ती, दोस्ती एक ऐसे रिश्ते का नाम है जो विश्वास के डोरी से बंधे होते हैं, जिसमें विश्वास तोड़ने का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होता है। यदि मैं किसी का दोस्त हूँ या कोई मेरे दोस्त बन जाते हैं, तो हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो एक विश्वास की डोरी से जुड़ा होता है, जिसे तोड़ना उचित नहीं समझते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा ही एक कहानी है हमारे पास, द थीफ स्टोरी, जिसमें हम ऐसे ही दो दोस्त के बारे में बात करेंगे जो विश्वास के धागे से बंधा हुआ है। ठीक है, और इसका नाम है द थीफ स्टोरी। ओके, तो आप अपने मेंटर साहिल गुप्ता के साथ हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म मेरिट यार्ड पे, जहां पर आप सभी कुछ सरल भाषाओं में सभी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं और आप अचूक बैच में शामिल हैं क्योंकि आपका प्रिपरेशन बोर्ड के लिए है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं द थीप्स स्टोरी। तो द थीप्स स्टोरी जो हमारे पास है यहाँ पे, द थीप्स स्टोरी, तो इसमें जो राइटर है हमारे, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये एक क्या है, इंडियन ऑथर है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो लैंडोर जो है मसूरी, उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड स्टेट का मसूरी जिले के लैंडोर में इनका जन्म हुआ था। कब? 19 मई 1934 ईस्वी को। ठीक है, और अभी ये लाइव हैं, जिंदा हैं। कुछ प्राइजेस इनको मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, जैसे जॉन लिवेलिन राइज प्राइज इन 1957, 1957 ईस्वी में ये प्राइज मिला था। फिर साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1992 ईस्वी में। फिर पद्मश्री से नवाजा गया इनको 1999 ईस्वी में, और पद्म भूषण इन्हें मिला 2014 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इनके प्रतिभाओं के आधार पर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे स्टोरी के, वो दो हैं। सबसे पहले एक अनिल हैं और दूसरे हरी सिंह हैं। ठीक है, तो अनिल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है किनको, एक ऐसे अनमैरिड मैन है, अनमैरिड पर्सन है, जो रेसलिंग जो मैचेस होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, तो लूटेड बाय हरी सिंह के द्वारा जो लूटे जाते हैं। ठीक है, तो अब हरी सिंह कौन है भाई? तो हरी सिंह थीफ है, जो इस स्टोरी के नायक हैं, लीड रोल में है। ठीक है, और एक्सप्लेन भी हरी सिंह के रूप में ही किया गया है, या यूं कहिए कि हरी सिंह मतलब क्या है, ऑथर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, तो ये है हमारा कहानी। ठीक है, तो कहानी में क्या है, ये पार्ट कहता है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, एक युवा लड़का होता है जो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल जो है उस युवा लड़के के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लगता है और उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिटवेरी हिज ट्रस्ट? ठीक है, क्या वो लड़का जो है, जो यंग लड़का है, अनिल के विश्वास को रख पाता है, उसके विश्वास को जिंदा कर मतलब रख पाता है, या फिर तोड़ देता है? ठीक है, तो कहानी को हमको पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को ये कहानी पढ़कर कुछ क्वेश्चंस है उसका आंसर फाइंड करना है। तो हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसके लिए आया है? तो ऑब्वियसली हरी सिंह के लिए, मैंने आपको बताया, जो ऑथर के रूप में है। ठीक है, फिर व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? ठीक है, फिर व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? तो इसका मतलब है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि एक सफलता भरी हाथ, यानी कि सफल होना इसमें क्या बताता है, यानी कि सफलता का राज इसमें क्या बताया गया है। फिर व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? और वो जो यंग लड़का है, जब काम करता है अनिल के लिए, तो अनिल से उसे रिटर्न में क्या मिलता है, ये सारा कुछ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी क्या है हम लोगों को, तो ये कहानी को समझना है। इस कहानी में क्या है कि एक समय ऐसा होता है कि अनिल, जैसे मैंने आपको बताया कि अनिल एक रेसलिंग मैच जो होता है, कुश्ती वाला जो होता है मैच, वो बहुत ही ज्यादा देखना पसंद करता है। तो कहीं पे कुश्ती चल रहा होता है, वहां पर अनिल देखता है। ठीक है, अब एक हरी सिंह नाम का व्यक्ति जो है, युवा लड़का जिसके बारे में बताया गया यहाँ पे, तो वो हरी सिंह क्या है कि अनिल के पास जाता है,
और उसे अपनी बातों में उलझाता है, और उलझाने के बाद उससे दोस्ती कर लेता है। बात कुछ ऐसा होता है वहां पर, वो अनिल का इंट्रोडक्शन, मतलब वो अपना इंट्रोडक्शन अनिल को देता है, अनिल से उसका इंट्रोडक्शन लेता है, ठीक है, और उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ती है। ये बोलता है कि मुझे कुछ काम चाहिए, आप काम देंगे क्या? तो बोलता है कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है। हाँ, तुम खाना यदि अच्छा बना लेते हो और मेरे लिए बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। ये बोलता है कोई बात नहीं, खाना तो दे दोगे आप ना मुझे? तो बोलता है कि जी आपको तो खाना मैं दे दूंगा। तो फिर अनिल और हरी के बीच क्या होता है कि बात समझौता हो जाती है, और अनिल हरी सिंह को लेकर अपने आवास तक पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद जो है हरी सिंह करता क्या है, तो खाना बनाता है इसके लिए, ठीक है, अनिल के लिए चाय बनाता है, फिर अनिल का कपड़ा धोता है। अनिल क्या करता है, तो अनिल एक ऐसा कैरेक्टर है इस कहानी में जो नॉवेल्स लिखता है या फिर बुक लिखता है, ठीक है, प्रकाशन को बेचता है अपनी किताबों को और फिर वहां से पैसे लेता है। अब होता क्या, ये बहुत ही खर्चीला है भाई, ओपन हार्ट का है। जब भी ये प्रकाशन को अपना किताब बेचता है, इससे पैसे मिलते हैं, तो उसको रखता नहीं है, जमा नहीं करता, उसको खर्च करता है, पार्टी मनाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, इंजॉय करता है। और हाँ, जब इसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और जब कभी जरूरत पड़ता है तो किसी से उधार ले लेता है, और जब इसके पास आता है तो ये रिटर्न कर देता है, ऐसा ही कुछ इसका चल रहा होता है। लेकिन अब तो हरी सिंह भी इसके साथ जुड़ गया था, तो भाई खाना पीना तो दोनों का चाहिए, तो और भी इसे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये बुक लिखता था, प्रकाशन को बेचता था, पब्लिश को, और फिर वहां से पब्लिकेशन को देने के बाद जो पैसे मिलते वो घर पे लाता, ठीक है। और ये ओपन हार्ट का था, मैंने आपको बताया, इसलिए पार्टियां वगैरह करता था। अब क्या है कि जैसे जो डेली वर्क जो करता है हरी सिंह अनिल के लिए, तो अनिल क्या करता है, पैसे देता है कि जाओ भाई सब्जी लेकर आओ, राशन लेकर आओ। तो जो भी पैसे मिलता था हरी सिंह को, तो वो हरी सिंह क्या करता कि उसमें से 1 रुपया प्रतिदिन क्या करता, चुरा लेता था। और अनिल इस बात को जानता था कि भाई ये बंदा 1 रुपया ले रहा है, लेकिन वो नजरअंदाज कर दिया कि चलो भाई 1 रुपये की ही बात है ना। अब हरी सिंह के कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा आते हैं हम लोग। हरी सिंह क्या है, यहाँ पर जो कैरेक्टर दिखाया गया हरी सिंह एज ए ऑथर, समझो आप, ठीक है, कि ऑथर ही हरी सिंह है जो अपने आप को इस कहानी में रखे हुए हैं, ठीक है। तो हरी सिंह क्या है कि वो एक चोर है, यानी कि थीफ है, चोरी करने वाला लड़का है, जो हर एक महीने अपना नाम बदलता है ताकि वो अपने जो लूटे हुए लोग हैं उससे बच सके, या तो फिर पुलिस से बच सके, ठीक है, ऐसे ही ये करता है। और ये सबसे पहले क्या करता है, लोगों को अपने विश्वास में लेता है, यानी उससे दोस्ती करता है, उसके बाद उसको लूटता है। इसलिए इसे अपना नाम चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है हमेशा, ठीक है ना। तो अब क्या है कि हुआ कुछ ऐसा एक दिन कि अनिल जो है वो गया प्रकाशन को किताब दिया, और वहां से नोटों का बंडल एक लेकर के आया। अब नोट का बंडल लेकर के आया, ठीक है, और वो उस नोट के बंडल को नीचे रख दिया, अपने बिस्तर के नीचे रखा, हरी सिंह के सामने ही। हरी सिंह देखा तो उसने बताया कि हाँ भाई, मैंने एक प्रकाशन को अपना किताब बेचा है और वहां से मुझे ये पैसे मिले हैं। अब क्या है, इतने बंडल वाले नोट को देख करके जो है हरी सिंह का ईमान खराब हो गया, इंटेंशन इसका चेंज कर गया, और ये क्या करता है, उन सारी चीजों को भूल जाता है। क्योंकि भाई खाना जो ये बनाता है तो अच्छा खाना नहीं बनाता है, ये इस बात से प्रूफ होता है कि अनिल जब भी इसके बनाए खाने को खाता था तो छोड़ देता था। तो खाना छोड़ दिया मतलब क्या, टेस्टी नहीं है। हम भी घर में कभी ऐसा करते हैं कि खाना हमें अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, उसको रहने देते हैं, बोलते तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, इस तरह से हम सभी करते हैं ना। तो वैसा ही अनिल भी करता था। तो फाइनली बाद में क्या करता है, अनिल देखता है कि भाई इस बंदे को मुझे ही रखना है, अपने पास ही रखना है, तो वो करता क्या, इसे सिखाना शुरू कर देता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, पढ़ाई कैसे होती है, और फिर वो पूरा उसका नाम लिखने के लिए फिर लेटर्स वगैरह जो है समझाना शुरू करता है, सिखाना शुरू करता है स्लेट पे। तो इन सारे सीख वाली बातों को छोड़कर इसके मन में क्या होता है, चोरी का पाप जाग उठता है। अब ये क्या करेगा, तो उस बंडल को धीरे से, जब लगभग जो है अनिल सो गया हुआ रहता है, तो वो करता क्या है कि बंडल, जो नोटों का बंडल होता है उसे लेकर के उस धीरे धीरे वहां से लेता है, और दरवाजे को धीरे से खोलता है ताकि आवाज ना हो और अनिल जग ना जाए। इसलिए वो क्या करता है कि उसको लेकर के और निकल पड़ता है। अब लेकर निकलता है पैसे को,
ठीक है। अब क्या है, ये मन बना लेता है कि भाई मैंने इसको तो लूट लिया, अब मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। किसके थ्रू? तो एक स्टेशन पे जाता है वो, और लखनऊ एक्सप्रेस जो 10:30 बजे खुलने वाली थी स्टेशन से, वहां पर चला जाता है। ठीक है, और मन बना लेता है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी होती है, ये चाहता है कि मैं जाऊं उसमें, मैं जाऊं उसमें। बट होता कुछ ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा इसे समझ में आने लगता है कि भाई पढ़ा लिखा बन जाऊंगा मैं तो मेरी भी एक प्रतिष्ठा बनेगी समाज में, मैं ऐसे भागता फिरता नहीं चलूंगा, हर महीने मैं अपना नाम नहीं चेंज करूंगा और न ही मुझे शहर हमेशा बदलने की आवश्यकता है। इसलिए ट्रेन चलने लगती है और ये पीछे ही रह जाता है, उसमें नहीं चढ़ पाता है। वो सोचता है कि चलो अब मैं वापस जाता हूँ। अब ये क्या करता है कि वापस जब रिटर्न हो रहा होता है तो रास्ते में बारिश होती है, जिसके कारण से वो पूरा भीग जाता है, और कपड़े के साथ साथ जो नोटों का बंडल होता है वो भी भीग जाता है। वो फिर से जैसे ही अनिल के आवास पे पहुंचता है, दरवाजे को धीरे से खोलता है ताकि आवाज ना हो और अनिल जग ना जाए, वो नोटों के बंडल को वैसे ही उसके तकिए के नीचे रख देता है। जब अनिल सुबह उठता है तो वो देखता है कि नोट का बंडल है या नहीं, तो वो देखता है कि नोट का बंडल है लेकिन गीला है। तो अब क्या है कि वो तो समझ जाता है कि किसी ने उसको लूटने की कोशिश की, उसके पैसे को लेने की कोशिश की, लेकिन बगल में देखता है कि हरी सिंह तो भाई यहीं पे है। ठीक है, अब हरी सिंह के कपड़े को भी देखता है कि थोड़ा गीला है, तो कुछ कुछ बातें इसे समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी ये अनिल जो है हरी सिंह को कुछ भी नहीं कहता है। अब हरी सिंह को तो लगता है कि भाई अब ये गीला हुआ जो नोट है उसको ये देख लिया, मेरे कपड़े को भी गीला देख रहा है, तो इसका मतलब यह है, इसे समझ में आ गया है कि मैंने इसे लौटने की कोशिश की, अब ये मुझे अपने घर में रखेगा कि नहीं रखेगा, ये सारे विचार उसके मन में चल रहा था। अब होता क्या है कि अनिल कुछ ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो हरी सिंह को फिर से नोट निकाल कर देता है उसमें से कि जाओ सामान लेकर आ। अब क्या है कि वो देखता है कि गीला नोट है भाई, इसे पता चल गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह रहा है, तो इसे लगा कि मेरी गलती को इसने माफ कर दिया। ठीक है, और फिर से जो है कि ये क्या करता है कि जाता है सामान लेकर आता है, अनिल सिंह के लिए काम करता है, और अनिल जो अपना वादा करता है कि बहुत जल्द ही मैं तुम्हें, हरी सिंह को कहता है, वादा करता है कि मैं तुम्हें जल्द ही पूरे सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, जो पहले वादा किया था उसको अब पूरा करता है, मतलब कि उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देता है। ठीक है, तो ये थी कहानी, मतलब एक शिक्षा, शिक्षा है, लोगों की मानसिकता बदल सकती है, इसलिए आपका भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द थीफ विन द हार्ट ऑफ अनिल, यानी कि अनिल के हृदय को कैसे इसने जीत लिया जो थीफ था। कहता इन दिस स्टोरी द थीफ्स स्टोरी द थीफ टोल्ड अनिल दैट ही वांटेड टू वर्क फॉर हिम। जो कहानी हमारे पास द थीफ्स स्टोरी, इस स्टोरी में, इस कहानी में चोर जो है किसको कहता है, अनिल से कहता है कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा, यानी अनिल के लिए वो काम करेगा। ठीक है, बट अनिल सेड दैट ही कुड नॉट पे, लेकिन अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा इसका। ठीक है, तुम काम करो मेरे लिए लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। देन द थीफ आस्क्ड हिम इफ ही कुड फीड हिम। तब जो है कि ये हरी सिंह जो चोर है वो कहता है कि भाई ठीक है, पैसा आप मत देना मुझे, लेकिन खिला तो सकते हो ना। ठीक है, अनिल टोल्ड हिम दैट इफ ही कुड कुक फॉर हिम ही कुड फीड हिम, ही कुड फीड हिम। ये कहता है अनिल सिंह कि हाँ ठीक है भाई, यदि तुम मेरे लिए खाना बना लो तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मतलब कि अब क्या है कि दोनों का खाना एक साथ पकेगा। ठीक है, ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड अप इन हिम, धीरे धीरे हरी सिंह के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। दस हरी सिंह ऑन द हार्ट ऑफ अनिल विथ हिज इनोसेंट स्माइल। और इसी तरह से अनिल जो है वो हार जाता है इसके स्माइल के सामने, यानी कि अनिल सिंह पूरा विश्वास करने लगता है, और अनिल सिंह का जो हृदय है वो हरी सिंह क्या करता है, जीत लेता है। कैसे? अपने इनोसेंट स्माइल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डिड द थीफ फाइंड अनिल, यानी किस तरह का व्यक्ति था जब हरी सिंह इससे मिला, अनिल से जब हरी सिंह मिला, तो मतलब ये जो है थीफ को क्या लगा कि अनिल कैसा है। ठीक है, वो व्हाई डिड ही डिसाइड नॉट टू बिट्रे हिम, यानी उसे लूटने का, उसका विश्वासघात करने का ये क्यों नहीं सोचा। ठीक है,
इन दिस स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यानी जो हमारे पास कहानी है द थीफ्स स्टोरी, ठीक है, इसमें कहता है थीफ फाउंड अनिल टू बी अ ट्रस्टिंग एंड काइंड हार्टेड पर्सन। थीफ क्या देखता है कि अनिल जो है वो ट्रस्टिंग है, यानी तुरंत विश्वास कर लेता है किसी के ऊपर, और वो क्या है, काइंड हार्टेड है, दयालु हृदय वाला व्यक्ति है, ठीक है। ही थॉट अनिल वुड बी सेड ओनली व्हेन ही विल डिस्कवर द थेफ्ट। ये हरि सिंह सोचता है, यानी चोर जो है वो सोचता है कि भाई अनिल तभी बोलेगा जब उसे एहसास हो जाए कि उसको किसी ने क्या किया है, ठगा है या उसका सामान चोरी किया है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ये जो है केवल पैसे के लिए नहीं, ये बात से ये कुछ नहीं बोलेगा कि भाई पैसे चोरी हो गया है, ठीक है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वासघात होने के बारे में वो कर सकता है। इस लाइन को पूरा फिर से समझेंगे। हरि सिंह का मानना है, हरि सिंह को ऐसा लगता है कि अनिल तो है कि तभी कुछ बोल सकता है जब उसका कुछ हो जाए, ठीक है, और ना तो कुछ बोलेगा नहीं, मतलब, और ये भी बात बोलता है नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, यानी पैसे खोने के बारे में नहीं बोलेगा, वो बोलेगा किसके बारे में, तो उसका जो विश्वास टूटेगा उसके विषय में बोलेगा। दिस चेंज हिज हार्ट, और यही जो सोच है उसके हृदय को बदल देता है, हरि सिंह के हृदय को बदल देता है। When he thought about Anil's reaction about himself, Hari Singh had a change of heart. ठीक है? कहता when he thought about Anil's reaction about himself, यानी जब हरि सिंह अपने विषय में अनिल के reactions या अनिल के प्रतिक्रिया के बारे में सोचता है, Hari Singh had a change of heart. तो हरि सिंह क्या अपने मन को बदल देता है, his कॉन्सियंस अवाकेंड, ठीक है, उसका जो जमीर है वो जाग जाता है, ठीक है। ही डिड नॉट लाइक एनी मोर टू चीट सच अ पर्सन हु ट्रस्टेड हिम मोर। अब जो है वो ये मन बना लेता है कि भाई जो भी उसके ऊपर भरोसा करेगा उसको आगे अब वो कभी नहीं लूटेगा, उससे चोरी नहीं करेगा, उससे विश्वासघात नहीं करेगा। ऑल्सो He wanted to learn reading and writing. और हाँ, वो पढ़ना लिखना भी चाहता था। So Hari Singh come back to Anil. और इसीलिए अनिल जो है, हरि सिंह जो है वो अनिल के पास वापस लौट जाता है। जैसे कहानी में मैंने बताया आपको कि ट्रेन चलती रहती है, ये ट्रेन पकड़ता नहीं, लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस क्यों नहीं पकड़ता है, क्योंकि ये लखनऊ जाने का जो मन बनाता है वो छोड़ देता है, वापस फिर कहाँ आता है, अनिल के पास आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई वाज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल। जो चोर है वो अनिल का ग्रेटफुल कैसे फील करता है, ठीक है। तो इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यानी जो हमारे पास द थीफ्स स्टोरी कहानी है उसमें थीफ वाज ग्रेटफुल टू अनिल, अनिल का बहुत ही ज्यादा वो क्या करता है, कृतज्ञ मानता है, बिकॉज क्योंकि ही प्रोवाइडेड शेल्टर, क्योंकि अनिल ही है जो क्या करता है, हरि सिंह को क्या करता है, शेल्टर देता है, यानी आश्रय देता है, अपने यहाँ रहने देता है। अनिल taught him how to cook and write his name. अनिल उसे सिखाता है हरि सिंह को कि खाना कैसे बनाना है और फिर नाम कैसे लिखना है, यानी कि हरि सिंह अनिल से सीख लेता है ना अपना नाम लिखना और अच्छे से खाना बनाना। He also told him he would soon teach him to write whole sentence and numbers. मैंने अभी कहानी में ही बताया था। अब क्या है, ये प्रॉमिस करता है अनिल सिंह हरि सिंह से कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ही पूरा का पूरा एक वाक्य बनाना सिखाऊंगा और गिनती भी सिखाऊंगा, संख्या भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। अनिल के लिए जो चोर है वो किस तरह का काम करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर के अनुसार से, जो कि अपने आप को चोर की तरह इस कहानी में बता रहे हैं, ठीक है, यानी चोर समझो कि ऑथर है। According to the author, author के अनुसार, the thief used to make tea for Anil. जो चोर है, वो अनिल के लिए चाय बनाता है, ठीक है? बनाता था। He also used to go to market and buy various things of daily uses. वो बाजार भी जाता था और डेली यूज वाला प्रतिदिन उपयोग में आने वाले वस्तुओं को बाजार से खरीदता था, कई तरह के वस्तुओं को, ठीक है, जैसे तेल मसाला हो गया, राशन पानी हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, दूध हो गया। एवरी डे ही वुड सेव अबाउट 1 रुपी एंड कीप इट विदाउट टेलिंग हिम।
यानी कि अब क्या है कि प्रत्येक दिन ये क्या करता था, तो अनिल के दिए हुए पैसे जिससे वो बाहर से सामान करता उसमें से 1 रुपया डेली ये बचा लेता था, लेकिन अनिल को इसके बारे में खबर नहीं थी। अनिल जानता था लेकिन अनिल को ये बताता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है व्हाई डिड ही वांट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन, यानी कि जो चोर है वो एक शिक्षित व्यक्ति बनना क्यों चाहता है। ठीक है, क्यों चाहता था? तो इन दिस स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यानी कि द थीफ्स स्टोरी का जो कहानी है उसमें द थीफ वॉन्टेड टू बिकम एन एजुकेटेड पर्सन बिकॉज एन एजुकेटेड पर्सन कुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ही इज ऑल्सो रेस्पेक्टेबल। ठीक है, कहता है क्योंकि थीफ जो है यानी चोर जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन बनना चाहता है, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बनना चाहता है, शिक्षित व्यक्ति बनना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा महसूस हो जाता है कि एक जो एजुकेटेड पर्सन है यानी शिक्षित व्यक्ति जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा पैसा अपने शिक्षा के दम पर बहुत सारा पैसा कमा सकता है, और वो क्या हो सकता है, रेस्पेक्टेबल भी हो सकता है, यानी समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। सो ही कुड गेट बोथ मनी एंड ऑनर बिकमिंग एन एजुकेटेड मैन। ठीक है, इसलिए वो चाहता था कि वो शिक्षित होकर के पैसा और ऑनर सम्मान में दोनों, इसको सम्मान और पैसा दोनों इसको मिले, इसलिए वो क्या शिक्षित बनना चाहता था। आइए नेक्स्ट का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास उसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डस अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। ठीक है, यानी क्या अनिल को ऐसा महसूस होता है कि वो चीटिंग उसके साथ हुई है, उसके घर में चोरी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इसमें जो कहानीकार हैं हमारे जो लेखक हैं उनके अनुसार से देखें तो अनिल रियलाइजेस दैट ही हैज बीन रॉब्ड। अनिल को ऐसा फील हो जाता है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो चोर मतलब उसका पैसा चोरी हुआ था। ठीक है, ही हैज बीन रॉब्ड यानी उसके साथ लूट हुई है। ठीक है, व्हेन ही सीज हिज बंडल ऑफ नोट्स ही फाइंड्स इट वेट, जब वो अपने सुबह उठकर जब नोट को देखता है तो देखता है कि भाई बंडल पूरा क्या है, भीगा हुआ है। ही नोज दैट इट वॉज रेनिंग एट नाइट, और वो इस बात को जानता है कि भाई रात में बारिश हुई है। ठीक है, एंड समवन हैज टेकन आउट द बंडल इन द रेन, और किसी ने तो भाई उसको क्या किया है कि बाहर बारिश में लेकर के गया है। ठीक है, ऐसा इसको एहसास हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड द थीफ नो दैट अनिल हैड फॉर गिवेन हिम। ठीक है, यानी थीप को कैसे ये एहसास होता है, कैसे ये समझ पाता है कि अनिल जो है इसको क्या किया है, माफ कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी द थीप्स स्टोरी, यानी जो द थीप्स स्टोरी हमारे पास है, इस स्टोरी के अनुसार से देखें तो द वेट नोट वॉज अ क्लीन प्रूफ ऑफ द थिफ्ट, जो गीला नोट का बंडल था उससे तो ये पूरा एकदम पता चलता है कि भाई चोरी हुई है। बट वेन अनिल गेव 50 रुपी नोट टू द थीफ नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द थीफ। ठीक है, लेकिन जब अनिल सुबह उसे क्या करता है, अगले दिन 50 रुपीज का नोट उसे देता है सुबह में। ठीक है, ही डिड नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द थीफ, तो अनिल कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि भाई मतलब कि वो नहीं जानता है कि उसका पैसा चोरी हुआ है। अनिल ये प्रूफ करता है कि भाई उसका पैसा चोरी नहीं हुआ, अनिल का पैसा चोरी नहीं हुआ है। कब साबित करता है, किस कब जो है ऐसा रिएक्शन देता है, जब वो 50 रुपीज का नोट जो है किसको देता है, चोर को देता है। अनिल डिड नॉट स्कोल्ड और पनिश हिम, इसके लिए ना तो वो उसे डांटता है, यानी अनिल हरी सिंह को नहीं डांटता है और ना ही उसको कोई सजा देता है। मोर ओवर ही प्रॉमिस्ड द थीफ दैट ही वुड गेट हिज पेमेंट रेगुलरली। ठीक है, और इतना होने के बावजूद भी वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है चोर को कि तुम जो हो कि रेगुलर तुम्हें आप पेमेंट सैलरी तुम्हें देंगे हम। ठीक है, दिस मेड हिम रियलाइज दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम, और ये सारे बात होने के बाद इसे एहसास होता है चोर को कि अनिल ने उसे माफ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज आई इन द स्टोरी, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इस कहानी जो द थीफ्स स्टोरी है इस कहानी में आई किसके लिए रेफर किया गया है। ठीक है, व्हाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ,
वो हरेक दिन हरेक महीने अपना नाम क्यों चेंज करता था? ठीक है, द नरेटर हरी सिंह अ थीफ इज आई इन दिस स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी। जो हमारे पास द थीफ्स स्टोरी है, इस कहानी में आई जो है वो क्या है, तो ऑथर के लिए हरी सिंह के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये क्या है, एक चोर है। ठीक है, ही चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर्मर एम्प्लॉयज यानी कहने का मतलब, जहां से वो चोरी करके भागता था उससे बचने के लिए और सिपाही से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, वो हरेक महीने प्रत्येक महीने अपना नाम क्या करता था, अपने आप को बचाने के लिए चेंज करता था। इट वॉज बिकॉज ही वॉज अ थीफ एंड चीटर। ऐसा इसलिए करता था कि भाई ये, इसको पुलिस से बचने की क्या आवश्यकता है, इसे और लोगों से बचने की क्या आवश्यकता है, तो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि ये क्या था, एक चोर था और चीटर था, धोखेबाज था। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है, तो आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी अनिल वॉज अबाउट 25। कहानी के अनुसार अनिल कितने साल का है, 25 साल का है। ही वॉज अ टॉल एंड लीन फिलो, वो पतला दुबला और लंबा व्यक्ति है। ठीक है, ही वॉज काइंड, वो दयालु है। सिंपल हार्टेड एंड इजी गोइंग, वो मतलब सरल व्यवहार का व्यक्ति था। ठीक है, ही यूज टू राइट फॉर मैगजीन्स, वो पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था। सो हिज इनकम वॉज नॉट रेगुलर, इसलिए उसका जो है कि कोई फिक्स इनकम नहीं थी और हमेशा होने वाला इनकम नहीं था। ठीक है, ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। कहां पर, तो एक छोटे से कमरे में। ही यूज टू कुकिंग हिमसेल्फ, वो अपना खाना खुद से बनाता था। ही वॉज केयरलेस इन मनी मैटर, पैसे की स्थिति में ये बहुत ही केयरलेस था। केयरलेस बोले तो मतलब कि वो ध्यान नहीं रखता था कि पैसा कहाँ रखा है, क्या किया है। ठीक है, या पैसे की आवश्यकता भी है, ऐसा कुछ भी ये सोचता नहीं था। वेन ही गॉट मनी, जब भी इससे पैसे मिलते, ही यूज टू स्पेंड इट विथ एन ओपन हार्ट, ये खुले विचार खुले दिल की तरह खर्च कर देता था, अपने दोस्तों को बुलाता, पार्टी मनाता। वेन ही डिड नॉट हैव इट, और जब इसके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, वुड लिव साइलेंटली, ये चुपचाप इसको रहना पड़ता था। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ सीइंग रेसलिंग मैचेस, ये कुश्ती मैच देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, शौकीन था इसका भाई। ही मेड द थीफ हरी सिंह इन वन सच मैच, ऐसे ही एक मैच में जो चोर हरी सिंह है उससे मुलाकात अनिल की होती है। बट अनिल हैड अ ट्रस्टिंग नेचर, लेकिन अनिल क्या था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसका प्रवृत्ति था कि वो हर एक के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेता था। ठीक है, ही ट्रस्टेड हरी सिंह इजली, वो आसानी से हरी सिंह के ऊपर क्या करता है, भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है। ही ऑफर्ड हिम द की ऑफ हिज रूम, वो अपने घर का चाबी क्या करता है, हरी सिंह को दे देता है। ही हैड अ फॉरगिविंग नेचर, वो हमेशा, मैंने बताया था आपको कि ये सरल व्यवहार का है, यानी तुरंत माफ भी कर देता था गलती पे। ही डिड नॉट माइंड बीइंग चीटेड बाय हरी सिंह, वो कभी भी हरी सिंह के द्वारा जो इसको धोखा मिला उसको कभी भी वो दिल पर नहीं लिया, उसको कभी रखा ही नहीं। ठीक है, ही चेंज्ड हरी सिंह्स हर्ट बाय ट्रस्ट, वो विश्वास के दम पर क्या किया, हरी सिंह के हर्ट को, उसके हृदय को क्या किया, चेंज कर दिया। कंपेशन एंड हिज रेडीनेस टू टीच हिम, ठीक है, यानी कि उसके विचार को, उसके पढ़ाई लिखाई को, हर एक चीज को क्या किया उसने, चेंज कर दिया। कैसे, तो ट्रस्ट के दम पर, कंपेशन के दम पर, और फिर क्या है, रीडनेस यानी कि पढ़ाई के दम पर। यानी ये जो अनिल है वो हरी सिंह को क्या करता, पढ़ाता था, सिखाता था हर एक चीज, उस पर भरोसा करता था। तो इन सारी चीजों से हरी सिंह का जो माइंड है वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो पहला है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच बताना है, कैरेक्टर बताना है, किस तरह का वो व्यक्ति था। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ, चोर का जो है ये कहानी, उसमें चोर की मतलब कैरेक्टर को बताना है। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वॉज द नरेटर इन द बिगिनिंग, शुरू में ये किस तरह का व्यक्ति होता है जो नरेटर है इसमें वो। ठीक है, एंड हाउ वॉज ही अ चेंज पर्सन इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में ये किस तरह का बदला हुआ व्यक्ति बन जाता है। तो ये आंसर देखते हैं। पहला
कहता है द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ थीफ। इस कहानी का जो कहानीकार है वो क्या है, एक चोर के रूप में है। ठीक है, ही पासेस हिज टाइम इन स्टीलिंग और वॉकिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। वो हमेशा अपना समय व्यतीत कैसे कामों में करता था, तो स्टीलिंग चोरी चपाटी में एंड वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगहों पर काम करके ये क्या करता था, अलग अलग जगहों पर चोरी कर करके समय व्यतीत करता था। ही नीड्स अ प्लेस टू लिव। अब इसे ये एहसास हो गया था कि रहने के लिए, लिव इन, रहने के लिए उसे एक जगह की, फिक्स जगह की आवश्यकता है। सो ही मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल, इसलिए वो अनिल के साथ दोस्ती करता है। ही वॉक्स फॉर अनिल, वो अनिल के लिए काम भी करता है। ही बाइज थिंग्स फॉर अनिल फ्रॉम द मार्केट, बाजार से वो अनिल के लिए सामान भी खरीदता था। ठीक है, ही मेक्स अबाउट अ रूपी अ डे फ्रॉम दिस, और डेली सामान खरीदने के लिए जो पैसे मिलते थे बाजार से जाकर खरीदने के लिए अनिल के द्वारा, उसमें से वो क्या करता था, 1 रुपया बचा लेता था। ठीक है, प्रत्येक दिन। बट द कंपनी ऑफ अनिल ब्रिंग्स अ चेंज इन हिज माइंड, लेकिन अनिल का जो साथ था उसके साथ, उसके हृदय को, उसके दिमाग को बदल कर रख दिया, सोच को बदल के रख दिया। अनिल टीचेज हिम ऑल्सो, अनिल उसके सिखाता भी था, जैसे मैंने बताया था खाना बनाने के लिए और अपना नाम लिखने के लिए सिखाया। द थीफ स्टील्स अनिल्स मनी, जो ये चोर है वो अनिल के पैसे को चुरा लेता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू लखनऊ, मैंने अभी आपको बताया था लखनऊ एक्सप्रेस से वो लखनऊ जाने की बात कर रहा था। ठीक है, तो वो चाह रहा था कि लखनऊ वो चला जाए, बट ही डज नॉट गो, लेकिन फिर भी वो नहीं जाता है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ कंप्लीटली चेंज्ड, वो अपने आप को पूरा जो है बदलाव अपने अंदर देख लेता है। ही वॉन्ट्स टू बी एन एजुकेटेड पर्सन, वो अपने आप को शिक्षित व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, यानी अपने आप को बदल देना चाहता है, वो शिक्षित बनना चाहता है। ही कम्स बैक टू अनिल्स रूम, वो जो है अनिल के रूम में वापस आता है एंड पुट्स द मनी बैक, और पैसे को वैसे ही वहां पे रख देता है जहां से ये लेता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो कहता है व्हाई डिड हरि सिंह कम बैक टू अनिल आफ्टर स्टीलिंग द मनी सक्सेसफुली। जब भाई चोर जो है सफलता पूर्वक जब पैसे को चुरा लिया, तो फिर वापस अनिल के पास क्यों आता है ये? ठीक है, व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल, या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या ऐसा हुआ कि जो चोर है वो आ गया अनिल के पास वापस पुनः। भाई देखते हैं, एज डिस्क्राइब इन द स्टोरी, जैसा कि इस कहानी में बताया हुआ है। ठीक है, द थीफ हैड स्टॉलन द बंडल ऑफ नोट्स। ठीक है, यानी कि जो चोर है वो क्या करता है, जो अनिल का जो है पैसा, ठीक है, जब अनिल सो रहा होता है उस समय उसके बंडल जो होते हैं नोटों के बंडल, उसको चुरा लेता है। ठीक है, चुरा लेता है। आगे देखें, अनिल ट्रस्टेड द नरेटर बट द थीफ। ठीक है, अब क्या है? अनिल जो है कि इस लेखक के ऊपर तो भरोसा करता है, लेकिन लेखक क्या है, एक चोर है। ठीक है, वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू गेट मनी, लेकिन जो चोर है यहां पर, जो नरेटर के रूप में है यानी लेखक के रूप में है, ठीक है, कहानीकार के रूप में है, वो हमेशा मतलब क्या करता है, चांस देखते रखता है। ठीक है, मौका की तलाश में रहता है कि कब ये पैसे को चुरा ले। ठीक है, बट एट लीस्ट ही चेंज्ड हिज माइंड टू रन अवे, लेकिन अंत में ये क्या करता है, तो ये भागने का अपना मन जो है वो क्या करता है, वो बदल देता है। ठीक है, अपने सोच को बदल देता है कि वो भाग जाए यहां से, ऐसा हटा देता है। ठीक है, ही हैड नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट अनिल, यानी अनिल के अलावा इसका कोई भी दोस्त नहीं था। ही हैड रॉब्ड हिम, जैसा कि इसने क्या किया था, उसको लूट लिया था भाई। ठीक है, ही हैड अ गुड नॉलेज अबाउट द फेसेस ऑफ रॉब्ड पर्सन, और जो व्यक्ति जो लूटा जाता है उसके फेस पर कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, उसका अच्छा ही ज्ञान था इसे, बहुत ही बड़ा अनुभव था इस लड़के के पास, हरि सिंह के पास, क्योंकि कई लोगों को इसने लूट लिया था और देखा भी था सामने से, इसलिए इसको अंदाज था कि भाई जब कोई लूटा जाता है तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। ठीक है, ही थॉट दैट अनिल वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसे लगा कि एक क्षण के लिए तो अनिल को भी दुख होगा, लेकिन वो दुख पैसे का नहीं होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे चोरी हो जाने का नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास टूटने का दुख उसके ऊपर,
दिखेगा, ठीक है। दिस थिंकिंग चेंज हिज हार्ट, और यही सोच जो है उसके हृदय को बदल देता है। ही थॉट दैट इफ ही लर्न्ड रीडिंग एंड राइटिंग ही वुड अर्न अ फ्यू हंड्रेड रुपीज नोट्स। वो सोचता है कि भाई मैं यदि पढ़ लिख लूंगा, पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा, तो मैं कुछ 100 रुपए वाले जो नोट्स है ना, ऐसे ही मैं कमा लूंगा, ठीक है। ही वुड ऑल्सो बिकम एन ऑनरेबल पर्सन। वो एक क्या है, ऑनरेबल यानी सम्मानित व्यक्ति भी बन जाएगा। वो सोचता है कि भाई जो है वो यदि काम करेगा पढ़ लिख करके, तो क्या करेगा, कुछ पैसे आसानी से कमा सकता है, और वो रेस्पेक्टेबल भी बन जाएगा, सम्मानित व्यक्ति भी बन जाएगा। सो दैट ही कम बैक टू अनिल एज ही सेल्फ करेक्शन। इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए और सही रखने के लिए वो क्या करता है, वो जो हरि सिंह है वो अनिल के पास वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास द थिप्स स्टोरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके समरी को मैंने देख आपके सामने पेश किया। आई होप ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब फाइनली आपको करना क्या है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आपको जो है कि हमारे जो भी प्लेलिस्ट है उसको तो चेक करना ही है, उसके अलावे जो हमारे पास है 7004080803 जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है। आप सभी यदि ये PDF लेना चाहते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं, तो फाइनली ग्रुप में अपना नंबर ऐड करवाना चाहते हैं, तो फाइनली आपको करना क्या है कि इस नंबर पे आपका नाम, आपका क्लास और आप कहाँ से हो, ये लिख करके सेंड करना है। आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और जो भी सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल आपको चाहिए आपको प्रोवाइड की जाएगी, ओके। तो और हाँ, एक चीज और बता दूं कि आप यदि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे न्यू विजिटर हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सीखना है, अपने बोर्ड का प्रिपेरेशन करना है, तो बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बैच चल रहा है अभी अचूक, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप चूक सकते हैं, आप चूक सकते हैं अपने प्रिपेरेशन में। तो बस इतना ही कहना था मुझे आज के लिए, बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, मिलेंगे अपने अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।